अब ये देखो, ये मेरी मकई की रोटी जो है ना, मैं सीधी कर रही हूँ। ये देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी पक गई है। ये चाबा दीजिए। तो ये इसी तरह ना मैंने इसको बेला है, ना मैंने इसको आग में उठाया है, मैंने सिर्फ पेड़ा उठा के इसके ऊपर रखा हुआ है ना। और ये माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी पक गई है और इतनी प्यारी मज़े की। यह यहाँ इधर रखो। अब मैंने एक रोटी आप लोगों के सामने पकाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ी सी ये देखो, ये सरसों का तेल डाल दिए। ये मैंने, ये खाली बोतल था, मैंने इसमें सरसों का तेल रखा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने ना सरसों का तेल हर रोटी से पहले हम लोग तवे के ऊपर लगाते हैं, उसके वजह से ये रोटी हमारी अच्छी पकती है। अब मैंने इसमें ना रोटी डालनी है। ये तीन चार रोटियों का आटा मैंने गूंदा था, इसलिए कि हमारे बच्चे जो है ना वो मकई के रोटी शौक से नहीं खाते हैं, हम जो है ना हम लोग खाते हैं। ये अब देखो ऐसे रख ली। इसको मैंने इसी तवे के ऊपर इस आग के तली के मदद से मैंने इसको प्लेन करना है। ये और आपकी मर्जी है, जितनी पतली करोगी तब भी पतली भी कर सकती हो, और जिधर गैस बनता है उधर आप लोगों ने इसका गैस निकालना है, इसलिए कि फिर वो उधर रोटी जो है ना वो कच्ची रह जाती है। ये अपनी मर्जी से इतनी अच्छी गोल कर सकती हो। इसमें अगर आपके पास कोई चीज़ हो ना, किसी चीज़ का सांचा हो, उस पर डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो मैं तो इसी तरह सादी सी पका रही हूँ। मेरी रेसिपी आप लोगों को अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये अभी ये खुश्क हो जाए, ये भी आप लोगों के सामने इंशाल्लाह पकाऊंगी। ये जब पका के फिर डिश आउट करके फिर आप लोगों से मैं इंशाल्लाह मिलूंगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।